वहां डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती के बेटे पर घिनौने अपराध का आरोप लग चुका है। मिथुन के बेटे और पत्नी योगिता बाली पर जबरदस्ती धोखाधड़ी और गर्भपात कराने का आरोप लगा है। तो वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बात के आदेश दिए हैं कि इन दोनों के खिलाफ जल्द से जल्द रिपोर्ट दर्ज की जाए। तो वहीं ये बात भी सब जानते हैं, कुछ समय बाद ही मिथुन के बेटे की शादी होने वाली थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि क्या ये सच्चाई जानकर महाक्षय की शादी होगी। तो इस सवाल पर अब महाक्षय की सास ने इस बात पर बयान दिया है कि उनको सच्चाई पहले से ही मालूम थी। वो कहते हैं कि हर शख्स का पहले कोई ना कोई पास्ट होता है, और अगर उस लड़की को कंप्लेंट करनी थी तो पहले क्यों नहीं की। अब शादी के समय पर ही उस लड़की ने ऐसी कंप्लेंट क्यों की है। इसी के साथ वो कहती है कि शादी तय तारीख पर ही होगी, क्योंकि इस बारे में वो पहले ही सब कुछ जानते थे। यानी महाक्षय ने अपने ससुराल वालों को हर सच्चाई बता दी थी, जिसके बाद अब उनके घर वालों के साथ साथ उनके ससुराल वाले भी इस घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। बता दें दोस्तों, दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में उस लड़की ने अपनी ये रिपोर्ट दर्ज कराई। हालांकि अभी तक ही लड़की का नाम सामने नहीं आ पाया है, लेकिन अब देखना ये होगा कि ये मामला आगे कहां तक जाता है। एक्स9 न्यूज रूम से चित्रा की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।